कि आपको भी लगता है कि आपके बाल सही तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो फिर देखिए वीडियो कि किस तरह से हम अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि उनकी ग्रोथ बेहतर हो. कीप वॉचिंग. बिलीव इन योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और ये जो बारिशों की तबाहियाँ हुई हैं इनसे महफूज होंगे, आमीन. अच्छा जी, आज बालों की ग्रोथ के बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि बालों का हम बाहर से तो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है बालों के टेक्स्चर को बेहतर करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए. जिस तरह से हम वंस अ वीक ऑयल लगाते हैं अपने बालों को, या डीप कंडीशनिंग करते हैं, या नेचुरल चीज़ों से बने हुए मास्क लगाते हैं जिनसे हमारे बाल स्मूथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनका टेक्सचर बेहतर होता है. लेकिन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि हम बालों का अंदर से बहुत अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि बालों की अगर जड़ें मजबूत होंगी तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो तेज़ी से ग्रो करेंगे. उनको प्रॉपर अगर वो ग़िज़ाइत मिलती रहेगी, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बालों को मिलने चाहिए. बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक पौधा होता है, पौधे को जिस तरह से सूरज की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बाहर से उसको दी जाती है, उसी तरह से पौधे को पानी भी दिया जाना चाहिए और पौधे में बहुत अच्छी खाद भी डालनी चाहिए. अगर पौधे में अच्छी खाद होगी तो वो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और फलेगा फूलेगा. तो बाल भी समझे हमारे बिल्कुल इसी तरह से होते हैं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत सिंपल चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्चुअली बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं. और ये मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ओवरनाइट कोई चेंज नहीं आता है, एक ही दिन में जो है, या थ्री डेज़ का चैलेंज हो या इस तरह की जो बातें होती हैं उनसे बाल ग्रो नहीं करते हैं. एक्चुअली बालों को अंदर से ग़िज़ाइत मिलनी चाहिए, बालों को अंदर से मजबूती मिलनी चाहिए जो हम अपने खाने के ज़रिए उसको पहुंचा सकते हैं. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो सिंपली आप अगर अपने खाने में शामिल करेंगे, डाइट में ऐड करेंगे, तो आपको वो प्रोटीन मिलता रहेगा, आयरन मिलता रहेगा, क्योंकि बाल बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, कैरेटिन जो प्रोटीन होता है. तो सिंपली आपको करना ये है कि आप जो भी खाएं डेली आप अपना एक उसूल बना लें कि खाने में कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ ज़रूर खानी है जिसमें आयरन और प्रोटीन ज़रूर हो, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मीट, फिश, चिकन, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है. पालक हो गई, या जो फ्रूट्स और नट्स होते हैं. अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना जो है वो मछली, गोश्त, मुर्गी, ये सब चीज़ें खाई जा सकें. अंडे खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं. तो अपने खाने में रोज़ाना कोई ऐसी चीज़ वो ज़रूर शामिल करें जिसमें प्रोटीन और आयरन हो. तो आप यकीन करें आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, थिक होकर ग्रो करेंगे. अच्छा, इसके अलावा एक और काम जो कि बहुत आसान है जो मैं करती हूँ, कि जो कद्दू के बीज होते हैं, पम्पकिन सीड्स और बादाम, आमंड्स और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, इन तीनों को मैं पीस के रख लेती हूँ. और दिन में एक दफ़ा आपने एक दूध का ग्लास गर्म किया, उसमें एक चम्मच इस पाउडर का भर के डाल दिया और सिंपली पी लिया. और अगर आप ये ना खा सकें तो सिंपली मूँगफलियाँ खाएं यानी पीनट्स, वो भी बहुत अच्छी होती हैं. उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में डेली बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिनसे आपके बाल ग्रो करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में अमीनो एसिड्स, इनमें बायोटिन और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे बालों को एक्चुअली जिनकी ज़रूरत होती है. बहुत लोग ऐसे होते हैं, ख़ासतौर से ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो पूरे घर का तो ख्याल रख लेती हैं, पूरे फैमिली का, लेकिन अपना ख्याल सबसे आखिर में रखती हैं. तो समटाइम्स ये भी होता है कि वो खाने के ज़रिए अपनी ग़िज़ाइत पूरी नहीं कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सप्लीमेंट, मतलब वंस अ डे जो है वो मल्टीविटामिन्स वगैरह आती हैं जो, वो ज़रूर एक ले लिया करें अपने डॉक्टर के मशवरे से, लेकिन लीजिएगा प्लीज़. तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि आपको कौन सी मल्टीविटामिन सूट करेगी. आप दिन में एक अगर मल्टीविटामिन ले लेंगे, उससे ये होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं खा सकते खाने के हवाले से, तो वो हमारी ज़रूरत उससे पूरी होती रहेगी. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं चलते फिरते एक्सरसाइज बालों की करती रहती हूँ, कि बालों किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दोपहर में, किसी भी वक्त, जैसे मौका मिले आप दिन में 2-3 दफ़ा ऐसे आप सर को नीचे करें और अपनी फिंगर्स से जो है वो बालों में हल्के हल्के से मसाज करें. तो इससे ये होगा कि जब आप सर नीचे करेंगे तो पूरा ब्लड फ्लो जो है आपके सर पे आएगा. मसाज जब आप करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके बालों के हर फॉलिकल तक वो ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए पहुंचेगी. तो ये बालों की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनको बहुत मजबूत करेगा और बाल आपके बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे. एक आखिरी चीज़ ये कि बालों के स्प्लिट एंड्स होते हैं, उनको ज़रूर ट्रिम करवाते रहा करें, क्योंकि बाल जब
एक होता है तो बहुत मजबूत होता है, जब बाल दो मुहे हो जाते हैं ना उनके, स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, तो वो फिर पतले पतले हो गए, उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो अगर उनके वहीं पे आप स्प्लिट एंड्स को काट देंगे, ट्रिम करवा लेंगे, तो वो बाल मजबूती रहेगा, वो तेज़ी से ग्रो करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको प्रॉब्लम समझ के नहीं करना है, उनको लाइफस्टाइल में शामिल करना है। तो आप यकीन करें, आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, आपको खुद फील होने लगेगा कि आपके बाल ज़्यादा टूट नहीं रहे हैं, झड़ नहीं रहे हैं, आपके बालों की मजबूती जो है वो वापस आ जाएगी। बाकी ये होता है कि खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसी बीमारी है, किसी मेडिकेशन का कोई असर है कुछ, तो फिर वो आप यकीन डॉक्टर से मशवरा कीजिएगा कि उसकी वजह से भी कुछ भी हम करते हैं तो इतना असर नहीं होता है, तो उस अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है उसको भी ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, उनका ज़रूर ख्याल रखें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ज़्यादा पानी पिएं, नींद पूरी करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम लें, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मुझे बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी कमेंट्स का। और साथ ही जो मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, मेरी जो इंस्टाग्राम की फैमिली है, उसमें अगर आप शामिल होना चाहें तो ज़रूर आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ भी समटाइम्स मैं बोनस टिप्स शेयर करती हूँ और अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो वहाँ भी मेरी फैमिली का हिस्सा बने और अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, इसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।